हेलो एवरीवन, आज गुरु पूर्णिमा है और बहुत ही अच्छा दिन है अपने टीचर्स को और वो सब लोग जिनसे हमने कुछ सीखा है उनको एक थैंक्स बोलने का और उनके लिए अपना रिगार्ड देने का। आज का वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक कवर कर रही हूँ जो हम सब लोगों से बहुत कनेक्टेड है और वो टॉपिक है स्ट्रेस का। वो लोग जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं वो भी स्ट्रेस्ड हैं, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं वो भी स्ट्रेस्ड हैं, जो लोग बहुत अमीर है वो भी स्ट्रेस्ड है और जो लोग बहुत गरीब है वो भी स्ट्रेस्ड है। और बहुत मैंने लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो कम अमीर या कम गरीब है वो स्ट्रेस्ड नहीं है, वो भी स्ट्रेस्ड है। जो लोग जॉब करते हैं वो भी स्ट्रेस्ड है, जो लोग बिजनेस में है वो भी स्ट्रेस्ड है, जो लोग क्लाइंट्स हैं वो भी स्ट्रेस्ड हैं, जो डिपार्टमेंट में है वो भी स्ट्रेस्ड है, और जो कंसल्टेंट है वो भी स्ट्रेस्ड है, जो गवर्नमेंट है वो भी स्ट्रेस्ड है, और जो जनता है प्रजा है वो भी स्ट्रेस्ड है। हम लोग क्यों स्ट्रेस्ड होते हैं और हमारी अब की जनरेशन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल क्यों इंक्रीज हो गया है और किस तरीके से स्ट्रेस हमें किल करता है और हमें वो चीज़ें नहीं करने देता जो हम करना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि स्ट्रेस कोई ख़राब चीज़ नहीं है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन का सिर्फ हमें ये बताने का एक तरीका है कि जब कोई टास्क हमें करनी होती है या जब हम कोई टास्क के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन हमें उसके लिए पहले से तैयार करना चाहता है, तो इसीलिए हमारा ब्रेन हमें स्ट्रेस करता है, यानी कि वो हमें कहता है कि उठो और कुछ प्रिपरेशन करो उसके लिए। हमें हर काम करने के लिए जो फर्स्ट इंस्पिरेशन मिलती है वो इसी स्ट्रेस नाम की चीज़ से मिलती है। स्ट्रेस एक इंस्पिरेशन भी है, तो जब हम कुछ अच्छा देखते हैं उससे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो वहीं से एक छोटी सी पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे ब्रेन में आती है जो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसे पास होना है तो नहीं तुम उठ के पढ़ो, ये करो, है ना, तैयारी करो, रिवाइज करो, अच्छे से लिखना सीखो, प्रैक्टिस करके देखो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो स्ट्रेस है जो हमें बता रही है करने के लिए। अब स्ट्रेस ख़राब क्यों होती है? जब वो स्ट्रेस हम पे निगेटिव असर डालना शुरू कर देती है और वो हमें चीज़ों को करने के लिए इंस्पायर करने की बजाय हमें चीज़ों को करने से दूर भगाना शुरू कर देती है, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस किल करने लगती है, तो वही स्ट्रेस निगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो तो उसके लिए मैं आज आपको 5 टिप्स दूंगी, जिसके बाद आपको 90% लगेगा कि आपके लाइफ की स्ट्रेस भाग गई। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि आप ये खाओ, पियो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, इन सबको करने के बाद भी जो आपका अपना अंदर का एटीट्यूड है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में। तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगी टेक्निकली कि स्ट्रेस होती क्यों है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है परफॉर्मेंस प्रेशर। हम स्ट्रेस इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज़ में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और अपने दिमाग में कहीं ना कहीं हम अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। परफॉर्मेंस का जजमेंट हम सिर्फ तभी नहीं करते जब हम परफॉर्म कर चुके होते हैं, परफॉर्म करने से पहले ही हम अपनी परफॉर्मेंस का जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो लेट्स सपोज कल आपको एक इंटरव्यू में जाना है और आपको फिर स्विमिंग सीखने के लिए जाना है और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक क्लाइंट मीटिंग में जाना है और ये तीनों ही काम आपने आज तक पहले कभी नहीं किए, तो जैसे आप इंटरव्यू के लिए सोचेंगे वैसे आपके ब्रेन में एक परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट कर दिया कि इंटरव्यू का मतलब ये है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना ही है, राइट? तो यहाँ से हमने पहले कभी दिया हो कि नहीं दिया हो, हमारा प्रैक्टिस लेवल क्या है, वी डोंट नो, बल्कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम सबसे बेस्ट ही करके आए। तो ये जो परफॉर्मेंस प्रेशर हम लोग अपने ऊपर जबरदस्ती का डालते हैं वो परफॉर्मेंस प्रेशर ही आपको स्ट्रेस करता है। इसके लिए मेरा सबसे पहला मंत्र जो है वो लाइन है जो बहुत हजार साल पहले लिखी गई है, और ये लाइन मैं इसलिए नहीं बिलीव करती क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मेरे रिलीजन को बिलोंग करती है, बट मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में सब ट्राई करने के बाद देखा कि ये एक लाइन आपको बहुत सपोर्ट करेगी। और वो लाइन है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो आप अगर फल का सोच सोच के काम करने के सोचोगे तो डेफिनेटली आप कभी ढंग से काम कर ही नहीं पाओगे, इसलिए आप कर्म करो, कर्म को एंजॉय करो, क्योंकि किसी मंजिल पे पहुंचने के बाद आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। जो आप कर्म कर रहे हो वो अपने आप में एक खुशी है। जब आपके पेड़ पे फल आता है उस पेड़ के फल को तोड़ के खाते हो, उसी दिन आपको सारी खुशी नहीं मिलती। जब आप बीज उगाते हो उसमें से पौधा निकलता है, वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, उस पर कली आती है, उन सब चीज़ों को देख के भी, उस पूरी जर्नी को देख के भी आपको अंदर से खुशी मिलती है। तो हमेशा सिर्फ ये मत सोचो, अब आप ये सोच के कि पता नहीं इस पे जो फल उगेगा कल वो मीठा होगा कि नहीं होगा, अगर मैं ये सोच के आज ही बीज उगाने का डिसीजन अपना पोस्टपोन कर दूं कि यार कौन बीज उगाएगा, इतनी मेहनत करेगा, फल आएगा कि नहीं आएगा, मीठा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मार्केट में सेल वैल्यू होगी कि नहीं होगी, खाने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मान लो तब तक मेरी उम्र हो गई, मुझे वो फल खाने ही बंद कर दिया डॉक्टर ने,
तो क्या होगा, मत सोचो ये सब चीजें। तो सबसे पहला मेरा मंत्र आप लोगों के लिए है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इच्छा करना नहीं करना एक अलग बात है, आप चिंता नहीं करोगे तो इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन फल कर्म करते रहो और फल की चिंता करनी बंद कर दो। चिंता से मतलब ये है कि आपने जो खुद पे परफॉर्मेंस प्रेशर डाल लिया, उस परफॉर्मेंस प्रेशर को खत्म करो। आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, अच्छा होगा बहुत अच्छी बात है, खराब होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम जब आप अगली बार जाओगे तो थोड़े से प्रिपेयर्ड होगे। अगली बार भी खराब होगा कोई बात नहीं, जब तीसरी बार जाओगे तो कम से कम आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे। तो सबसे पहला मंत्र मेरा यही है कि कर्म करो और फल की चिंता करना, और धीरे धीरे इसको एक हैबिट डेवलप करो अपने अंदर कि आपको कल कोई काम करना है, परसों कोई काम करना है, तो आप उनका आउटकम क्या आने वाला है उसकी चिंता करने की जो आदत है उसको धीरे धीरे अपने दिमाग से रिमूव करो। देन सेकेंड मेरा मंत्र है कि हम लोग खुद को परफॉर्मेंस के लिए प्रेशराइज करते क्यों हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। अब मैं आपको अगर ये बोलूँ कि आप खुद को दूसरे से कंपेयर मत करो तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा और ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने किसी को देख के अगर डिसाइड किया कि अच्छा बहुत खूबसूरत है, तो जैसे आपने सोचा कि वो सुंदर है, इसका मतलब ये कि आपने कंपेयर कर लिया। आप किसी को देख के अगर कुछ भी सोच रहे हो कि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, या वो एजुकेटेड है, या वो स्मार्ट है, या वो सुंदर है, इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर आपकी एक लाइन एक दिमाग में आ गई, इसका मतलब आप कंपेयर तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कंपेयर नहीं कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन का फीचर है कि वो बहुत सारी चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उनको आपस में कंपेयर करता है। हमारा दिमाग करता है क्या, वो करता ही है, राइट? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उस कंपेरिजन का खुद पे एक निगेटिव इम्पैक्ट मत लेके आओ। तो अगर कोई टॉल है और कोई मुझसे टॉल है, इन दो चीजों में बहुत फर्क है। कोई सुंदर है और कोई मुझसे सुंदर है, कोई अच्छा खाना बनाता है या कोई मुझसे अच्छा खाना बनाता है, कोई स्मार्ट है या वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, आप इन चीजों को कैसे ट्रांसलेट करते हो? तो कई बार क्या होता है, बात करते हुए हम जब कभी किसी की तारीफ सुनते हैं तो हमारा फेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि हम उसको अलग तरीके से ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए कोई आपके पास आया और उसने कहा कि हाँ यार ये बंदा बड़ा हार्ड वर्किंग है, तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं कि ये बंदा तुमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है? हम लोग बोलते हैं यार ये बंदा बहुत रिच है, हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये बंदा तुमसे ज्यादा रिच है? तो हमारे अंदर एक होड़ पैदा हो जाती है कि अच्छा नहीं, मुझे भी उतना ही रिच होना है, मुझे भी उतना ही टॉल होना चाहिए, मुझे भी उतना ही सुंदर उतना स्मार्ट होना चाहिए। तो स्टॉप डूइंग दैट। अगर कोई रिच है तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि हाँ वो रिच है। तो दो ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में, या तो बहुत अमीर होते हैं या तो गरीब होते हैं, तीसरी तो कोई वैरायटी है ही नहीं। तो वो लगे ठीक है वो रिच है और मैं रिच नहीं हूँ, इट्स ओके, राइट? अगर कोई कहता है वो स्मार्ट है तो ठीक है भैया वो स्मार्ट है, हम लोग उतने स्मार्ट नहीं है। तो जो जिस कंडीशन में आप हो उसके साथ में एक कंपेटेबिलिटी बना के रखना, उसको एमिकेबली एक्सेप्ट करना, और साथ में जो चीजें आप पाना चाहते हो लाइफ में उनके लिए निरंतर प्रयास करना। देन व्हाट इज थर्ड टिप? थर्ड टिप इज दिस कि हमेशा खुद को अपडेट करो और लाइफ में ये देखो कि आपका पैशन क्या है, और अपने पैशन को अचीव करने के लिए काम करो। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि स्टेज पे परफॉर्म करने वाला सिंगर ही सिंगिंग को सबसे ज्यादा इंजॉय करता हो। हो सकता है कि जिसको परफॉर्म नहीं करना वो ज्यादा अच्छे से सिंगिंग को एंजॉय कर रहा हो, सकता है वो ज्यादा अच्छी सिंगिंग करता भी हो। तो परफॉर्मेंस प्रेशर को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कंसिस्टेंटली जो भी आपके पैशन है उनके लिए टाइम दो, और उनके बारे में सर्फिंग करने के बजाय उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जैसे क्रिकेट मैच देखने के बजाय क्रिकेट खेलो, ऑल दो देखने का अपना एक क्रेज है और मैं उसको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारा पूरा इंडिया पागल है उस चीज के लिए, बट स्टिल आपको जिन चीजों को करना अच्छा लगता है उनको सिर्फ देखना, उनको सिर्फ सर्फिंग करना, हमारे साथ क्या हैबिट हो चुकी है ना हमारी डेवलप की, जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है, तो मान लो मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है बनाना, तो मैंने एक वीडियो देखी, दो वीडियो देखी, चार वीडियो देखी, और चार वीडियो देख के मेरा दिमाग सेटिस्फाई हो गया और आगे मैंने बनाया कुछ नहीं, सिर्फ देख के मैंने सोच लिया कि हाँ मेरे को बहुत अच्छी कुकिंग आ गई। इससे बेटर ये है कि मतलब हजार चीजें एक्सप्लोर करने से अच्छा आप चाहे थोड़ा सा करके देखो, लेकिन हर चीज को प्रैक्टिकली अपने हाथ से करके देखें। देन नेक्स्ट स्टेप, होपफुल रहना, यानी कि आने वाले फ्यूचर के लिए भरोसा रखना कि सब कुछ सही हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत मोटिवेशन के साथ कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं और ये सबके साथ सेम है। मोटिवेशन हर किसी को आता है और नेचुरल आता है, आपको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास एनवायरमेंट में जब भी कोई अच्छी चीज देखते हो तो आपका ब्रेन आपको अंदर से ऑटोमेटिकली मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे भी कुछ अच्छा करना है। लेकिन हम स्टार्ट भी करते हैं कि मैंने आपको कहा ना, उसके बाद हमारा माइंड छोटी सी स्ट्रेस क्रिएट करता है और वो स्ट्रेस मुझे कहती है कि अच्छा तुझे ये चाहिए ना, ठीक है तो सुबह उठ पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। वो हमें मतलब आपको जो भी कुछ चाहिए ना उसके लिए दिमाग ने आपके सब तैयार करके रखा है, और आपके आसपास के इको सिस्टम ने, आपके एनवायरमेंट ने आपके लिए सब कुछ रेडी करके रखा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही सब कुछ मुझे तारीफ मिलती है, मेरा सब अच्छा चल रहा होता है, तब तक हम लोग बहुत मोटिवेटेड रहते हैं,
लेकिन जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल आता है, और जैसे ही मान लीजिए एक दिन या दो दिन ऐसे हो गए कि जिस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो किल होने लगता है, और आप उस चीज को करने के लिए अट्रैक्ट होने की बजाय आप उससे भागने लगते हो। धीरे धीरे जो आपकी होप थी, जो आस्था थी, उसको आप किल करने लगते हो, और आप उसको हमेशा हमेशा के लिए एक कड़वी फीलिंग अपने दिल में रख के छोड़ देते हो, ये सोच के कि हाँ मैंने भी ट्राई किया था लेकिन मुझसे लाइफ में नहीं हुआ। तो ट्राई करने का मतलब तब तक ट्राई करना है जब तक वो चीज हो नहीं जाती। नंबर ऑफ ट्रायल्स गिनना, वो कभी भी ट्राई करने का पर्पज नहीं होता कि मैंने 10 बार किया, 50 बार किया, 100 बार किया। ट्राई करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप हमेशा, जब तक वो नहीं हो रहा और जितने भी रास्ते मुझे चाहिए, जितने जुगाड़ चाहिए, जितनी क्वालिटीज अपने आप चाहिए किसी चीज को अचीव करने के लिए, वो सब मैं ग्रो करूँ। फोकस और ओरिएंटेशन उसके लिए आपकी बहुत जरूरी है। तो लास्ट स्टेप इज ऑलवेज फाइंड गुड टीचर एंड गुड पीपल अराउंड यू। अच्छे लोगों की संगति और अच्छे लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करना, अपने सीनियर से कुछ सीखने की कोशिश करना, अपने एनवायरमेंट से कुछ सीखने की कोशिश करना, नेचर से कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर चीज हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। लेकिन हमारा दिमाग इतना ओपन होना चाहिए कि हम लर्निंग के लिए रेडी हैं। अगर हम ये सोचेंगे हमें सब पता है, तो ऑब्वियसली हमसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सब पता है। जिंदगी में ये पता करना कि मुझे क्या नहीं पता, ये हमेशा पहला स्टेप होता है आपका ग्रोथ का, क्योंकि आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि मुझे आता क्या नहीं है, तभी तो आपको पता चलेगा कि मुझे सीखना क्या है। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कुछ सीखना है, तो लाइफ में आपको कोई भी उसको सीखने से रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसे लोगों की कंपनी क्रिएट कीजिए जिनके साथ आप आराम से अपने दिल की बात बोल सके, जो आपको फ्री माइंड से सिखा सके, और जिनसे आप सीख सके, और जिनके साथ आप एक अच्छा ओरिएंटेशन अपना डेवलप कर सके। तो हमेशा एक ऐसी कंपनी अपने आसपास मेंटेन करना, वो आपके लिए आपके स्ट्रेस को रिलीव भी करता है और आपको कंट्रोल रखता है, आपके माइंड को बैलेंस्ड रखता है। याद रखिए, हम लोग लाइफ में गोल क्रिएशन करते हैं, बट वो गोल क्रिएशन का पर्पस ये नहीं होता कि हम सबको बहुत अमीर बनना है, या हम लोग 1000 करोड़ की कंपनी नहीं खड़ी करेंगे तो हम लोग कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे या हम लोग खुश नहीं रहेंगे। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मैं अपने माइंड को गोल इसलिए देती हूँ क्योंकि हमारा माइंड इज फिल्ड विद एनर्जी, इट इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ पावर। आप उसको अगर पॉजिटिव कुछ करने के लिए नहीं दोगे तो वो निगेटिव चीज़ों में जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोगों की ओरिएंटेशन अच्छी नहीं होती, वो लोग अभी एल्कोहल में, ड्रग एब्यूज में, वॉयलेंस में, क्रिमिनल बन जाते हैं, या कई बार वो खुद लाइफ में इतने ज़्यादा पेसिमिस्ट हो जाते हैं और इतने ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। हमारे यंगस्टर्स में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको बहुत छोटी एज में लगता है कि मैं जीके करूं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। इस सब का रीज़न ये होता है कि आपने अपने ब्रेन को कुछ खाने के लिए नहीं दिया, कुछ करने के लिए नहीं दिया। और आप अगर अपने ब्रेन को कुछ करने के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं दोगे, कुछ गोल नहीं दोगे, तो वो क्या करेगा, वो निगेटिव चीज़ों में जाना शुरू कर देगा, वो कूड़ा कचरा कबाड़ा उसको जो मिलेगा वो खाना शुरू कर देगा। क्योंकि आपके माइंड से ज़्यादा खाना आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से को नहीं चाहिए। आपकी बॉडी को तो खाना टाइम टाइम पे चाहिए होता है, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, और आप उसको फास्टिंग भी करा सकते हैं। लेकिन आपके ब्रेन को जिस वक्त वो सो रहा है उस वक्त को छोड़ के उसको 24/7 खाना चाहिए। यानी कि जब भी आप जाग रहे होते हो, आप 10 मिनट भी अपने ब्रेन को खाली नहीं छोड़ सकते, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको कुछ अच्छे इनपुट्स हमेशा देते रहो। आप अच्छे इनपुट नहीं दोगे तो आसपास उसको गंद कचरा जो दिखाई देगा वो खाना शुरू कर देगा, और आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि आप उसके कंट्रोल में हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आई होप ये सारे के सारे टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी, और आप इससे जितने भी लोग स्ट्रेस में परेशान है, जिनको नींद नहीं आती, जिनको लाइफ को जीने में कोई खास मजा नहीं आ रहा है, जिनको लाइफ बोरिंग लगती है, जिनको ये समझ में नहीं आता कि बहुत साल जी के उनको करना क्या है, या जिनको लगता है कि लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, उनके पास टाइम नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, तो उन सबके लिए मैं कहना चाहूंगी कि स्ट्रेस को कंट्रोल करो, क्योंकि स्ट्रेस आपके पास टाइम होने के बाद भी आपको कुछ करने नहीं देगी लाइफ में अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो। और उसी स्ट्रेस को अगर आप अपने कंट्रोल में रखोगे तो वो स्ट्रेस ही आपको सब कुछ सिखाएगी, चलाएगी, उठाएगी, कराएगी, और लाइफ में आपको जो कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, सक्सेस चाहिए, सब कुछ आपको वो ही दिलाएगी। सो ऑन द गुरु पूर्णिमा, इस बहुत ही शुभ और पवित्र दिन के लिए, क्योंकि सीखने से ज़्यादा खूबसूरत लाइफ में कुछ भी नहीं होता, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपकी बहुत सारी क्वेरीज से, बहुत सारे कमेंट्स से। कुछ का आंसर हम लोग कर पाते हैं, बहुत सारों को मैं नहीं कर पाती क्योंकि 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी हैं, और बहुत सारे वीडियोज़ को हम लोग कभी खोल के वापस देखते भी नहीं है। जो रियलिटी मैं आपको वही बता रही हूँ। सो विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।